जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की वीडियो नंबर ये 3 है और इसमें हम लोग आज बात करने जा रहे हैं सबसे पहले बीएसटी का पार्ट 1 वीडियो, और इसके अंतर्गत हम लोग बीएसटी बिजनेस स्टडी जो हम लोग का विषय है इसके अंतर्गत हम लोग जो है पहले चैप्टर से यानी मैनेजमेंट वाला जो शुरुआत का चैप्टर है उससे लेके ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर तक वहां तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के बात करने जा रहे हैं। और इस टोटल हम लोग इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो 21 क्वेश्चन होंगे। शुभ शुभ से सोचिए इसकी शुरुआत हो रहा है 21 क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन को अगर आप तैयार करेंगे तो आपका जो है संगठन तक का 100% सब चीज तैयार हो जाएगा और इनके बाहर का कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। इसको पूरा तैयार करने के साथ साथ आपका अति लघुत्री, लघुत्री और दीर्घुत्री ये सब तैयार हो जाएगा, यानी ओवरऑल समझ लीजिए संगठन तक आपका पूरा तैयार, कोई और पढ़ने की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगा। एमसीक्यू के लिए हम लोग का प्रैक्टिस पहले से चल रहा है, तो आज की वीडियो यही होने वाली है। तो आप लोग जो पहली बार आए हैं वो क्या करेंगे, वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके जो है नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें, ताकि इससे क्या होगा जब भी हम लोग का वीडियो आए या कुछ भी हम लोग चैनल पे लेके चले तो आपको उसका जानकारी मिलता रहे। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला है, उसको भी ज्वाइन कर लें, और साथ ही साथ नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट करके इन क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर नोट्स हम लोग का है वो नोट्स आप जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत होती है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, प्रबंध से क्या आशय है, प्रबंध की विशेषताएं, उद्देश्य एवं महत्व बताइए, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है प्रबंध के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए, ये दूसरा है। तीसरा है प्रबंध के कार्यों की व्याख्या कीजिए, 5 कार्य लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए क्योंकि प्रबंध एक प्रक्रिया है। अगर लाइन बाय लाइन नहीं याद आता है कार्य तो आप पूरा आंसर लिखेंगे फिर भी आपको पूरे नंबर नहीं आएंगे, इसलिए पूरे के पूरे कार्यों को लाइन बाय लाइन याद रखना है। फिर इसके बाद क्या है, समन्वय से क्या है इसकी विशेषताएं बताइए, तथा समन्वय एवं सहयोग में अंतर बताइए। इन सभी क्वेश्चन को या तो लॉन्ग में बनाकर दे सकता है या तो शॉर्ट में बना के दे सकता है, अंतर खासकर शॉर्ट में पूछा जाता है इसलिए बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर आता है प्रभाव पूर्णता एवं कुशलता में अंतर बताइए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं इसकी विशेषताएं एवं महत्व बताइए, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपका ये लॉन्ग में आ सकता है या ज्यादातर चांसेस है कि शॉर्ट में भी पूछा जाए। फिर आता है हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों की व्याख्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर के लिए, बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये आना ही आना है। फिर वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए तथा इनकी तकनीकों की व्याख्या कीजिए, अगर केवल सिद्धांत पूछता है तो 5 नंबर में पहुंचेगा और तकनीक अगर पूछता है तो 10 नंबर में पूछेगा, तो बढ़िया तरीके से आप लोग जो है इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, नियोजन से क्या आशय है इसकी विशेषताएं, महत्व एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए, ये आपको जान लेना है नियोजन के अंतर्गत। फिर आता है योजनाओं का वर्गीकरण समझाइए, योजना टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, दोनों का आपको वर्गीकरण समझाना है, दोनों का में अंतर आता है उसको भी समझना है। फिर इसके बाद क्या है आपका जो है नियोजन की प्रक्रिया बताइए, नियोजन की क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप लेकर के आपका नियोजन होता है वो पूरी प्रक्रियाओं को बताना, और जब जब प्रक्रिया याद करना है, याद रखिएगा इस बात को, जिस भी चीज की प्रक्रिया पूछेगा उसमें जो आंसर्स होंगे जो भी पॉइंट्स होंगे उसको लाइन बाय लाइन याद रखना है, आगे पीछे नहीं कर सकते वरना गलत हो जाएगा, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, इसलिए प्रक्रिया अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, स्थायी उपयोग तथा एकल उपयोग योजना में अंतर बताइए। फिर अगला क्या है, संगठन से आप क्या समझते हैं, संगठन की प्रक्रिया में महत्व बताइए। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, संगठन ढांचा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। इसके साथ साथ जो है औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब यहां पर क्या है कि ये अनौपचारिक औपचारिक वाला इसका हो गया, और इसी के साथ साथ हमारा जो हमारा संगठन का ढांचा है, इन इन दोनों में से जो है आपका जब भी देखेंगे कि मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन फंसे ही फंसे। ठीक है, बढ़िया तरीके से इन दोनों को याद करिएगा क्योंकि अल्टरनेट होता है, पिछले बार जो पूछा है इस बार नहीं आएगा और इस बार जो पूछा है अगली बार नहीं आएगा, ऐसे करके, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर पिछले बार का पेपर आप मैच करा लेते हैं कि पिछले बार क्या आया था, तो उस चीज को कम इंपॉर्टेंट मान के जो नहीं आया उसको पढ़ लीजिए तो इस बार वही आने वाला है, इस तरीके से होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर बताइए, बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद क्या, अधिकार अंतरण से क्या आशय है इसके लाभ बताइए, अधिकार अंतरण का। ठीक, फिर केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं इसके लाभ बताइए, हालांकि ये बहुत कम इंपॉर्टेंट लेकिन पढ़ लीजिएगा। और फिर हमारा आता है अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए, ये पढ़ लीजिएगा, ये भी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, अधिकार उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही में अंतर बताइए, ये आप पक्का याद कीजिएगा क्योंकि इसमें से आना ही आना क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए। ये हो गया हमारा टोटल 21 क्वेश्चन बीएसटी का पहले पार्ट में। हम लोगों ने यहाँ पे जो है संगठन तक समझा,
इसके बाद के पार्ट में हम लोग बाकी के प्रबंध के दोनों कार्य जो संगठन के बाद नियुक्तिकरण एवं निर्देशन है इनके इंपॉर्टेंट देखेंगे और उसके बाद वाले में हम लोग जो है बाकी सारे इंपॉर्टेंट देख लेंगे। तो इस तरीके से ये तीन पार्ट में बीएसटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे और आपका पूरा बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। और सभी वीडियोस को आप लाइन बाय लाइन देखिएगा, पूरा देखिएगा और साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी पता चले, क्योंकि हर वीडियो में हम लाइक का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 300 से 400 लाइक हो जाएगा तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो जितना जल्दी आप लोग इस चीज को करेंगे उतना जल्दी आप लोग को लगातार वीडियो मिलता रहेगा। बाकी व्यूज आप लोग जो है 4,000-5,000 जितना भी करा सके उतना करा, लेकिन लाइक जरूर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से तभी होगा जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा संगठन के आगे के चैप्टर्स को इंपॉर्टेंट लेकर के, ठीक है। तो इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।